आज डंके की चोट में 23 साल के झारखंड में पहला कोई लड़का खड़ा है जो एमपी के चुनाव में घोषणा करता है यदि दारू पिला के कोई वोट देगा वो जा रहा है एकदम ने वोट दिए को। पांडे की तरह साफ तो हैवा का घर नहीं बनाएंगे हम। अनुप कुमार सिंह की तरह 1 करोड़ का महीना हमारी इच्छा नहीं है, ना ही चंद्र प्रकाश चौधरी की तरह ऑस्ट्रेलिया में हमें कपड़ा की दुकान होगी। हमारा जो 2,72,000 पेमेंट भी होगा वो 22,000 कोशिश करेंगे हम लोग रखेंगे, 2,50,000 जनता को जाएगा। ठीक है, आप हो सके चुकी है बीजेपी वालों का भी गढ़ है गोमिया टाउन, हो सके भक्तों को मिर्ची लगे बुरा मत मानिएगा। मीडिया के सामने हमने कह दे हमने कोर्ट एफिडेविट के साथ मैदान में उतरबो कि अगर हमने जीत भी जाए हो तो विधायक का पेमेंट 2,72,000 और मैं 25% रखबो बाकी ट्रस्ट बना के जनता को। हमारा नहीं पूछने लगी है से 12 करोड़ टका मुआवजा दिया है लिए, अगर संसद में मौका मिल जाए तो हिसाब किताब कर ले कितना दिया है। एक्सीडेंट मालूम हो उसी थाना प्रभारी की रिपोर्ट आ लगता है, लगभग 1 महीना में 20-30 रोड एक्सीडेंट से जान जा है कि नहीं। लड़का का उम्र कितना 25 से 35 साल, ककरो 6 महीना बियाह भेल होलो, ककरो 2 गो छवा कोरे में हो, ककरो मैया बप्पा जवान हो और छोड़ा चल गए कहे दरवाज चलती तो जय मुह जा रहा जय भय मारा। यदि दारू पिए के वोट ले लो सोच ले कितना दुर्गति कर दो सहकते जितना नारी शक्ति है खबरदार। आज तो नहीं कहूँ वोट के मतलब समझा तो आज की जरूरत है हमने के 2 साल से गांव गांव जाए के 7-8 को बीमारी लेके चेचाए के चिल्लाए के लोग के समझाए कहे यदि हमने के अपन मतलब रहता है तो हमें PhD कर रहा ली अभी 2-3 साल बाद पूरा भई तय। अरे सरकारी नहीं तो प्राइवेटो में और हमारे प्रोफेसर खुद कहल है तुम बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है, कभी कभी इतना अच्छा करता है कि अगर हमको चुनना पड़े कि हम जिन बच्चों को पढ़ाए उसमें किससे पढ़ेंगे तो हम तुम्हारा नाम लेंगे। ये प्रोफेसर हमारे हमको बोलते हैं कि यदि हमको चुनना पड़े कि हम जितना बच्चा को आज तक पढ़ाए आज तक 10,000 बच्चा को पढ़ाए हैं उसमें अगर 10 गो बच्चा चुनना पड़े जिससे हम पढ़े तो जरा हम तुम्हारा नाम लेंगे, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है। यानी 20-30 हजार रुपया हमने प्राइवेट से भी कमाए लेंगे। लेकिन आज हमने के समझ में आवा है कि झारखंड का दिल लड़ाता है, आज झारखंड के साथ जो अन्याय है, आज झारखंड के साथ जो शोषण है उस शोषण के खिलाफ लड़ाता है। सही खाते हमने अगुवाई कर रहा लियो। आज हम तो पहलू कह लिए आज भी कह रहे हो अगर हमने जिंदा रह लिया तो कोयलांचल के सबसे बड़ा शमशान ही हम नहीं रहो कह कोकरो दम नखो बात को उठाना जब बात के हमने उठाए दे ककर दम हले डीसी पे सवाल करना आधे नौकरी से हटाए दे डीसी में अपन बहुत खुद हटाए दे क्या हाल है अपना विधायक मंत्री सांसद है कह सबके सेटिंग हो अगर डीसी के बहु है तो एमपी के भी साली हो लागल है नौकरी में लागल है कि नहीं। अभी हिए अनूप सिंह के भैवे में सारा टेंडर ले है कि नहीं सबके हो हाल परिवार बात चला रहा सब लोग। लेकिन हम उन मुद्दा को छेड़े हैं जो आपके एमपी एमएलए का भी औकात नहीं है डंके की चोट में कहते हैं, इसलिए साथ देना है नहीं देना ये आपका मर्जी है, हम जबरदस्ती साथ मांगने नहीं आए हैं। और हम लोग वोट तो लड़ना भी नहीं चाहते थे और लोकसभा तो बिल्कुल भी नहीं, एमपी का चुनाव हम नहीं लड़ना चाहते थे। हम लोग तो राजधानी दिल्ली का बात कभी नहीं किए थे, हम लोग विधानसभा का बात किए थे। लेकिन हमको लगता है कि कोयला का समस्या दिल्ली में होगा, विस्थापन का समस्या दिल्ली में होगा, इसलिए आज हम लोग दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। और इसलिए भी कर रहे हैं कि हम लोग नहीं कुछ है हमारा नहीं कुछ नहीं लगी है से 12 करोड़ टका मुआवजा दिया है लिए, अगर संसद में मौका मिल जाए तो हिसाब किताब कर ले कितना दिया है देखो। कुछ नहीं लगे वार्ड नहीं लगे हमने पिछला अप्रैल महीना से पहला आंदोलन हमने अप्रैल से कर लिया मजदूर के लेके आज के डेट में 12 करोड़ और बोलवे तो गिन के बताए देबो 12 करोड़ टका हमने ना गो वार्ड ना गो मने कोई सरपंच ना कोनो मुखिया और हमने 12 करोड़ टका मुआवजा दिया दिलिए। सह खातिर लोके कहले हमने के कि बाबू तोनी कुछ नहीं लगे से इतना रगड़ के रख दही तोनी अगर एमपी एमएलए में जीत जीभा तो सोच कितना मुआवजा और कितना अधिकार के तोनी दिया देबो। तो बस हमने यह खातिर आए रहा लियो, बाकी हमने का कोनो लोभ और लालच ना है। आज यदि लोभ लालच रहता है तो हमने तो पार्टी अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं भला है, इंडिया वाला रे इंडिया वाला पूरा डोका फाड़ के कहे छोड़ा हमर दीगे जाए के लड़ के जीत के चल जीत लिए। लेकिन आज अगर हमने आए लियो तो कुल मिलाए के झारखंड के झारखंडियत के बात कर आए लियो। आज देखा पूरे 2 साल में सबसे ज्यादा केस ककर भला है हमने जेबी केस जरा महतो के योद्धा के भला है, चाहे रांची में 15 गो केस रहे चाहे कोल्हान में
केसर है, या फिर वेदांता इलेक्ट्रोस्टील में रहे, या भौरा के कोयला खदान में रहे, आज अगर दो साल से सबसे ज्यादा अगर जनता के खातिर कोई केस खाई लाए तो हमनी खा ले, हमने छाती ठोंक के बोले की जरूरत हले बता तो नहीं बताए दे। लेकिन आज भी अगर तोहनी ना समझ भा ना बुझ भा तो याद रखिया, जैसे आज हमने गांव के गांव खत्म भई गए, गांव के गांव खाली भई गए, कोयला खदान में बारी कब्जा कर ले, आने वाला दिन हमने बारी झारी में भी सबके कब्जा रहते, यदि तोर पास लड़े वाला लीडर में रहते। आज देख ले सबके घरे पढ़े वाला गिदर हो, दो पैसा जमा करके कोई रांची में, कोई हजारीबाग में, कोई धनबाद में, बोकारो में पढ़ाए रहा ला, 10x10 के वो कमरा, 10 साल के तैयारी, आंख के रोशनी चल गया, माथा के चुलिया पाक गए, दो चार गो चूल झड़ गए, और की भलाय ना 8 साल बाद वो परीक्षा अल, परीक्षा लिख के अल, और घर नहीं पहुंचल और परीक्षा लिख पाई गए, बताओ की दर्द रहते तोनिए, बताओ तोहनी सोच के देखा जिस राज्य के दुर्गति की भय रहा है। दिल्ली से लेके राजधानी में जितना नेता रहे, एमपी रहे चाहे एमएलए रहे, केवल अपन प्रॉपर्टी बनवे में लागल हो। अब यदि तोहनी कहे कि तोहनी पे कैसे विश्वास करबो, तो आज सम्मानित मीडिया के सामने हमने कह दे हो, हमने कोर्ट एफिडेविट के साथ मैदान में उतरबो कि अगर हमने जीत भी जाए हो तो विधायक का पेमेंट 2,72,000 और 25% रखबो, बाकी ट्रस्ट बनाए के जनता के। ऐसा संभव है, ऐसा संभव है। हमारे धनबाद के पूर्व सांसद माननीय आज स्वर्गवासी कॉमरेड एके रॉय मात्र 500 रुपया लेते थे अपना दिन भर का खर्चा के लिए, चाय पानी के लिए, और सारा पैसा राष्ट्रपति फंड में देते थे। हम राष्ट्रपति फंड में भी नहीं देंगे, क्योंकि आज के देश, आज के डेट में राष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं रहा है। भले हमें कहने में आप गलत मानिए, लेकिन ये सच्चाई आपको भी जानना होगा कि राष्ट्रपति जिनको देश का सर्वोच्च रहनुमा कहा जाता है, प्रथम नागरिक कहा जाता है, आज हमारे राजा साहब, देश के यशस्वी राजा साहब, उनके भी वैल्यू को घटा के रख दिए। अब आप बोलेंगे कैसे, चलिए राम मंदिर की बात नहीं करते हैं, हम संसद भवन की बात करते हैं। संसद भवन हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि संसद भवन 3 लोगों से मिलके बनता है। आवाज दीजिए पढ़ने वाले नौजवान, आवाज दीजिए, संसद 3 लोगों से मिलके बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, अरे विधानसभा, विधानसभा नहीं तो राज्य के लगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का नाम जिक्र कहीं नहीं है, हाँ वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन उनका नाम स्पेशल कहीं नहीं है। लेकिन संसद भवन के उद्घाटन में भी राष्ट्रपति मैडम नहीं जाती है, ठीक है, आप हो सके, चूंकि ये बीजेपी वालों का भी गढ़ है गोमिया टाउन, हो सके भक्तों को मिर्ची लगे, बुरा मत मानिएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से सोचिएगा, भारत देश में एक प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रपति को पहला नागरिक बोला जाता है, यदि राष्ट्रपति मैडम वहां अतिथि बन के जाती तो प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए प्रधानमंत्री को उनके स्वागत में खड़ा रहना पड़ता, यही फैक्ट है। आप भक्ति कीजिए, मना नहीं है, आप मोदी को राजा नहीं चक्रवर्ती बनाइए, मना नहीं है, लेकिन भारत के संविधान को जानिए, यही प्रोटोकॉल होता है कि यदि राष्ट्रपति कहीं गेस्ट बन के जाएंगे और अगर वहां प्रधानमंत्री भी जाएंगे तो प्रधानमंत्री को पहले जाना होगा और वेलकम करना होगा राष्ट्रपति का, दिस इज द प्रोटोकॉल ऑफ इंडिया। लेकिन आप तो राष्ट्रपति को जानते नहीं है, आप तो प्रोटोकॉल को जानते नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को जानते नहीं है, आपको बस इतना लगता है मोए 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 मोए, आपको बस इतने मालूम है, ठीक है, हम तो बोलते भाई, नो डाउट, आज के दुनिया में सबसे लोकप्रिय है कोई तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है क्योंकि गलत चीजों का हम समर्थन करेंगे। हम मानते हैं आज के डेट में अगर लोग बोले कि भारत देश को लोकतांत्रिक नहीं राजा का देश बनाया जाए तो 35% लोग मोदी को राजा भी मान लेंगे, नो डाउट, हम उनकी लोकप्रियता पे कभी सवाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर संसद का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति नहीं जाएंगे तो एक पीएचडी का छात्र होने के नाते मेरे दिमाग में सवाल आएगा कि कहीं ना कहीं कैमरामैन को याद आ गया कि कैमरा में फोटो राष्ट्रपति का आएगा, इसीलिए हम लोग राष्ट्रपति फंड में पैसा नहीं भेजेंगे। हम लोग अगर संसद जीतेंगे तो 6 विधानसभा में 11 गो सदस्य का अपना प्राइवेट ट्रस्ट बनाएंगे, और जिस तरह लाइव आते हैं 1 तारीख को तनखा आएगा, 2 तारीख को हम लोग तमाम मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और बकायदा अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, अगर केस होगा तो केस थमा देंगे, राष्ट्रपति फंड में नहीं देंगे। आज राष्ट्रपति का कद कहीं ना कहीं राजा साहब ने कम कर दिया, बुरा मत मानिएगा, हम लोग कॉमरेड एके रॉय के तर्ज पर राष्ट्रपति फंड रिफंड नहीं करेंगे, ये जनता का पैसा है,
जनता का नहीं, वो निजी पैसा है, सांसद का और निजी है, जनता का भी नहीं है। वो सांसद का अपना सैलरी होता है, लेकिन वो सैलरी भी हम लोग नहीं रखेंगे। हम रविंद्र कुमार पांडे की तरह 700 हैवा का घर नहीं बनाएंगे। हम अनूप कुमार सिंह की तरह 1 करोड़ का महीना हमारी इच्छा नहीं है। ना ही चंद्र प्रकाश चौधरी की तरह ऑस्ट्रेलिया में हमें कपड़ा की दुकान होगी। हमारा जो 2,72,000 पेमेंट भी होगा वो 22,000 कोशिश करेंगे हम लोग रखेंगे, 2,50,000 जनता को रहेगा। अब आप जो कीजिएगा उसे पुस्तकालय बनाइए, कोई बीमार है उसका इलाज में खर्चा कीजिए, या कोई गरीब बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा है उसका मदद कीजिए, या फिर कहीं बच्चे को खेलने के लिए फुटबॉल किट का जरूरत है आप दीजिए। वो हमारे लोगों का डिपेंड करेगा, वो अपने बुद्धि विवेक उस पैसे का उपयोग करेंगे। ये हम लोग वचन देके जाते हैं, बकायदे मौखिक नहीं, हम लोग कोर्ट एफिडेविट के साथ, नोटरी के साथ, मोहर के साथ, जब हम लोग संसदीय चुनाव में आएंगे हमारे हाथ में घोषणा पत्र भी रहेगा। क्योंकि हम लोग राज को बदलने के लिए आए हैं। आज मैं अगर अपनी बात कहूं तो हमने अपना कद, अपने ताकत, अपने हिम्मत से और अपने निडरता के स्वभाव से इतना बना लिया है कि हमको कंपनी लोग बोलता है कि रिक्वेस्ट है आप मेरा कंपनी का नाम मत लीजिए, मार्केट में जाइए, काला नीला पीला जो गाड़ी पसंद है ले लीजिए, जाइए मार्केट में, बस मेरे कंपनी के लताड़ मत लगाइए और आपको नीला पीला काला गाड़ी जो पसंद है चार चक्का में ले लीजिए। बोले नहीं, हम लोग अपना दोस्त का ही गाड़ी में भाड़ा में ही पेट्रोल भर के चले जाए। यदि आपको डाउट है तो पूछिएगा गोमिया कमेटी को, अभी हम लोग को 3,000 देने करेगा पेट्रोल भरने के लिए। ऐसे चलता है, क्लियर बात है, जो कहना है साफ कहना है।